गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत। आप सब ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, जो कि असाइनमेंट छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा भेजा गया मैथ्स के असाइनमेंट को हमने सॉल्व किया था, और उसमें बचे हुए दो क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। समीकरण हल कीजिए आलेख विधि से नहीं। क्वेश्चन है आपका 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि आलेखी विधि से नहीं बनाना है। अब आलेखी विधि से नहीं बनाना है, इसका मतलब हमारे पास दो और विधि बच जाते हैं। एक होता है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा होता है विलोपन विधि। तो मैं आपको सबसे सरल मेथड से बता रहा हूं, विलोपन विधि। विलोपन का अर्थात विलुप्त करना। देखिएगा कैसे बनेगा। ये आपके दो समीकरण क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम, जो अचर पद है आपका कॉन्स्टेंट है, उसको हम पक्षांतर कर देते हैं। तो हो जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू, देखिए आप प्लस है पक्षांतर होगा तो माइनस 16। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे अपन, ये अचर पद को पक्षांतर कर देंगे इधर। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, ये माइनस से पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां क्या हुआ है, पक्षांतर। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 हम बना रहे हैं कौन सी विधि से, विलोपन। कौन सी विधि, विलोपन। विलोपन विधि से हम बना रहे हैं। अब देखिए, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। किसको, कोई भी, हम या तो x को विलुप्त कर सकते हैं या तो y को विलुप्त कर सकते हैं। ये तो अचर है, वो तो रहेगी। तो आप देखिएगा विलुप्त करेंगे कैसे, कि भाई दोनों समीकरण में कुछ चीजें समान हो जाए तो आपस में वो डिलीट हो जाए, कट जाए। तो देखिए, यहां 4x है, यहां क्या है 2x। यदि समीकरण 2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों पक्षों में ना, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में लिख देता हूं यहां, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4x प्लस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2y और ये हो जाएगा 6 × 12। इसको देंगे हम समीकरण 3। अब आप देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 3 में 4x और 4x ये इक्वल हो गए हैं, अर्थात ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो हम इसको विलुप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 3 ये 3 है आपका, घटाने पर इसको घटा दीजिएगा, कैसे बनेगा देखिएगा फिर। चलिए घटाते हैं, समीकरण 1 क्या हमारा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 16, और समीकरण 3 क्या है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे, इसको अपन घटाएंगे, तो घटाने के लिए आप माइनस का साइन लगा देंगे इसमें। ओके, देखिए इसमें सेम चीजें प्लस माइनस में, ये कुछ नहीं, मतलब यहां प्लस होता है तो प्लस माइनस में सेम चीजें हैं, डिलीट हो जाएगी। अब यहां देखिएगा, यहां माइनस है, यहां माइनस है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, तो 5 और 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 7y इज इक्वल टू। अब देखिएगा यहां ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, और ये दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 28। ओके, देखिए दोनों साइड से ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7y इज इक्वल टू
28, तो y का वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे 28/7। देखिए यहां से माइनस माइनस डिलीट हो गया, अपना क्या हो गया 7y = 28। अब अपन क्या करेंगे, यहां से y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 28/7 इसको क्या करेंगे अपन नीचे ला लेंगे, 7 + 7 = 28, तो y का वैल्यू आ गया आपका 4। अब इस y के वैल्यू को समीकरण एक में y का मान रखेंगे, y का मान रखने पर तो देखिए क्या बनता है, x का वैल्यू अपने फाइंड आउट करना है, तो समीकरण एक क्या हमारा यही है 4x - 5y = -16। अब y का वैल्यू रख लीजिएगा 4x - 5, y का वैल्यू आपका 4 = -16, तो 4x देखिए 5×20 हो जाएगा और ये हो जाएगा -16। अब इसको y ट्रांसपोजिंग कर लीजिएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा, तो क्या होगा माइनस है उधर जाके प्लस, तो -16 पहले से है और ये हो जाएगा आपका प्लस, देखिए क्या हो जाएगा 4। अब 4 से 4 डिलीट हो जाएगा, तो x = 1। तो हमको दो वैल्यू चाहिए था x और y का, तो दोनों ही वैल्यू आ गए हैं, लिखेंगे लास्ट में। अतः समीकरण निकाय के हल, समीकरण के हल x = 1 और y = 4 ये आपके आंसर्स हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है समीकरण को हल करना है, तो ये हमको दिया हुआ है, अब इसको अपन प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोनों में आप देखिएगा यहाँ x - 1 है और क्या है x + 1 है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 और x + 1। अब यहां से पहले से हमारे पास x + 1 है और यहाँ x - 1 है, यहाँ क्या लगेगा बीच में माइनस। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो क्या हो जाएगा x + 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो हो जाएगा x - 1 = 5/6। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा दोनों सेम चीजें हैं, तो x + 1 होल स्क्वायर - ये भी दोनों सेम चीजें हैं, तो x - 1 का होल स्क्वायर। यहां एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो उसका फार्मूला होता है a² - b² फार्मूला आप लोग साइड में लिख लेंगे कौन सा फार्मूला कहां लग रहा है, ठीक है ये तो आपको क्लियर हो गया। और देखिए इसके घात में कुछ नहीं, मतलब एक है यहां भी एक है, आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाती है और एक एक करके हो गया 2, ठीक। अब यहां फार्मूला आप लिख लीजिएगा, फार्मूला आपका a² - b² = a + b और a - b, ये आपका फार्मूला है। तो देखिएगा ये a - b a + b क्या हो गया a² - b²। अब यहां फिर से एक फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये आपका फार्मूला हो गया। फिर यहां a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका a² + b² - 2ab, ये आपके फार्मूले हो गए। अब फार्मूले की अपन पुट अप कर देंगे वैल्यू, फार्मूले में देखिएगा a + b तो a² तो x², फिर b² तो 1² + 2a, a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, फिर यहां माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा। देखिएगा फिर से फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, तो a² x² फिर b² है तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या है -2, a का वैल्यू क्या है x और b का वैल्यू क्या है 1, ये हो गया आपका अपॉन, अपॉन में तो कुछ होना नहीं है, तो x² - 1² = 5/6। अब देखिएगा बहुत ही इजी कंडीशन में बता रहा हूं आपको मैं, x² 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 2 × 1 करेंगे क्या आएगा 2 × x - अब माइनस के अंदर गुना करते जाइए, कोष्टक को तोड़ना है तो क्या हो जाएगा ये x², फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 × x / x² - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है = 5/6।
अब देखिएगा सेम चीजें डिलीट हो जाएगी आपस में, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, डिलीट हो गया, ये भी प्लस में और ये माइनस में, सेम चीजें डिलीट हो गई। अब देखिए अब ये 2x और ये वाला 2x कितना हो जाएगा दोनों जोड़ के 4x अपॉन में रहेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, ये आपका इक्वेशन है। अब क्या करेंगे यहां तिर्यक गुणा कर लीजिएगा, तिर्यक गुणा करने पर तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ गुणा हो जाएगा 4x * 6 और ये ऊपर चला जाएगा तो 5 * x स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करना है अपने को वर्ग समीकरण बनाना है तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 6 * 24x और ये हो जाएगा आपका 5x2 - 5। अब इसको बाय ट्रांसपोजिंग पक्षांतर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 5x2 - 24x, देखिए यहां प्लस में था पक्षांतर होकर चिन्ह बदल गया माइनस और ये पहले से माइनस में, यहां अब इधर कुछ भी नहीं बचेगा मतलब क्या रहेगा 0। ओके अब इसको समीकरण एक दे देना, अब समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या है आपका ax2 + bx + c = 0 से करने पर, देखिए पूरा लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके असाइनमेंट में। देखिए अब इन दोनों का तुलना करेंगे तो मैंने आपको कल बताया था कि जब हम तुलना करते हैं तो सेम चीजें डिलीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो एक ही स्थान पे है क्या है 5 है, इसमें देखिएगा x x डिलीट हो गया तो b के प्लेस में क्या है यहां b = -24 और c के प्लेस में क्या है -5। ये a b और c का वैल्यू आप फाइनल कर दीजिएगा, फिर फार्मूला है हमारे पास, सूत्र है वर्ग समीकरण का x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले में क्या करेंगे पूरे वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, माइनस b का वैल्यू देखिएगा क्या है -24, फिर प्लस माइनस √b का फिर से वैल्यू रखेंगे हम -24² - 4, फिर a का वैल्यू क्या है आपका 5 और c का वैल्यू है -5, ये पूरा वैल्यू आप पुट अप कर लीजिएगा अपॉन में रखिएगा 2, a का वैल्यू क्या है 5। अब इसको अपने क्या करना है सॉल्व करना है, देखिएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस √24² तो हो जाएगा 576 माइनस, देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 5 * 24 = 20 + 25 = 100, फिर अपॉन में रहेगा आपका 5 * 2 = 10। अब इतने को आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके। अब मैं इधर को मिटा देता हूं क्योंकि जगह की कमी है और हमको आंसर लाने हैं, देखिएगा कैसे बनता है छोटा सा बस है। अब देखिएगा सॉल्व करने अपन x = हमारा आ गया x = 24 + - 576 में जुड़ेगा 100 तो जाएगा 676 / 10। अब 24 + - 676 किसका वर्गमूल होता है तो 26 का होता है 10। अब देखिए हमारे पास दो चिन्ह है प्लस और माइनस, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और इधर आप ले लीजिएगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x = देखिए यहां से हम 24 फिर 26/10 यहां से केवल हम लेंगे प्लस वैल्यू, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे अपन x 24 26/10 यहां से केवल लेंगे अपन माइनस की वैल्यू। अब देखिएगा प्लस की वैल्यू ली है तो क्या होगा, ये देखिए अपॉन में पूरा है ना, ये अपॉन में पूरा है आपका ये, अब दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6 * 4 = 10 और 50 हो जाएंगे 10 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया आपका 5। इधर भी सॉल्व कर लेंगे अपन तो 26 में से 24 को माइनस करेंगे -2/10 2 * 1 = 2 × 5 = 10 तो x का वैल्यू क्या आया -1/5। तो हमारे पास अब दो वैल्यू आ चुके हैं, अब लास्ट में फाइनल एक लाइन लिखिएगा, अतः समीकरण
वर्ग समीकरण लिखिएगा, वर्ग समीकरण के हल x इक्वल टू 5 माइनस 1/5, दो इसके आंसर्स आए हैं। तो ये हो गए आपके आंसर्स, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट करके, जैसी आपकी मर्जी हो। तो मैंने आपको पूरे मैथ्स के असाइनमेंट क्लियर करा दिए हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।